हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ रगड़ा पैटिस मैं घर पे कैसे बनाती हूँ। एकदम इजी एंड सिंपल मेथड है, तो बने रहिए मेरे साथ। ओके, तो पैटिस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 1.5 kg बॉइल्ड पोटैटो, उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, पोटैटो को मतलब आलू को सिर्फ 2 सीटी पे ही, मतलब एकदम छोटे गैस पे 2 सीटी पे ही पकाया है। तो इसकी वजह से देखिए क्या हो रहा है, हाथों से भी आसानी से टूट रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ है। और मतलब कद्दूकस करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है आलू को, क्योंकि फिर उससे क्या होता है, बहुत ही बारीक हो जाती है, वो पेस्टी होती है। तो वो इतना गीला गीला चिपचिपा वैसा नहीं बनाना है हमें पैटिस का डो, ऐसे टाइट वाला डो रखना है थोड़ा सा। ओके, तो इसीलिए अगर आप जब आलू कुकर पर चढ़ाएंगे तब सीटियों का अच्छे से ध्यान देंगे तो ये पार्ट अच्छे से हो जाएगा। एंड इन केस अगर आपके आलू कुछ ज़्यादा ही गल गए तो फिर आपको फिर उसमें ब्रेड थोड़ी सी ज़्यादा मिलानी पड़ेगी। ओके, अभी मैं यहाँ पे फिलहाल हाथों से ही स्मैश कर रही हूँ। आपके पास अगर पोटैटो स्मैशर होगा तो आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप छोटे छोटे पीसेस रखोगे ना तो वो खाते वक्त अच्छे लगते हैं। ओके, अब सारे पोटैटो मैंने स्मैश करके हो गए हैं, तो अब ना इसमें मैं कुछ ग्रीन चटनी का मसाला बना के डालती हूँ। चटनी नहीं होती लेकिन आपको दिखाती हूँ मैं अभी मैं क्या बनाती हूँ। ओके, अगर आप जीरा पाउडर डाल रहे हैं तो ये पूरा जीरा मैंने डाला, तो मत डालिए आप जीरा। अगर जीरा पाउडर यूज़ नहीं कर रहे तो जीरा डालिए। ये देखिए, ये मेरा ग्रीन मसाला रेडी हो गया। अब ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, इससे आलू का रंग हल्का ग्रीन तो होगा ही लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। लेकिन ध्यान रखिए ये ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, हमें तीखा नहीं बनाना है पैटिस को। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेड ऐड करना होता है, तो आप ब्रेड गीला करके भी डाल सकते हो, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत चिपचिपा हो जाता है वो, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैंने 5 स्लाइस अभी मिक्सर में से घुमा के लिया है, उसका ऐसे चूरा करके मैंने डाला है। ओके, तो ये अच्छा लगता है जब आप डो भी मिक्स करते हो तब भी ब्रेड गीली करके डालते हो तो बहुत गंदा चिपचिपा हो जाता है सब मिक्सचर, इसलिए। ओके, सॉल्ट एज पर आर टेस्ट। अब हम इसका अच्छे से डो बना लेते हैं। ओके, तो डो रेडी हो गया, लगभग इसे गूंदने में मुझे लगे 5 मिनट। ओके, तो ये मिक्सचर में अभी इस बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि फिर इस परात में ना मैं सारे पैटिस लगा पाऊंगी। ओके, तो ये डो की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, ये देखिए काफ़ी हार्ड भी नहीं है और गीला तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे ही चाहिए तो पैटिस अच्छे खासे बन जाते हैं। ओके, तो हाथों को पहले ऑयल लगा के लेंगे, डो में से एक छोटा सा गोला निकाला है उसका मैं राउंड शेप देती हूँ, आपको स्क्वायर हार्ड राउंड जो शेप देना है आप दे सकते हो। ओके, और इतना मोटा मैं रखती हूँ पैटिस को, तो वो खाते वक्त थोड़ी सी टेस्ट अच्छी आती है, नहीं तो इतना पतला पतला करोगे तो रगड़े में तो वो घूम ही हो जाएगा पैटिस। ओके, तो इतने ही मैंने अभी बना लिए हैं, तो एक तवा में आपको दिखाऊंगी एक तवे पे लगा के ब्रेड क्रम्स वाले, और एक बार ही दिखाऊंगी विदाउट ब्रेड क्रम्स वाले। ओके, तो दोनों टेस्ट अच्छी लगती है, दोनों सेम ही लगते वैसे तो, लेकिन अभी बना ही रही हूँ, वीडियो कंप्लीट होना चाहिए इसलिए दोनों मेथड से आपको दिखा रही हूँ। तवा गरम होने के बाद उस पर थोड़ा सा ही ऑयल डाला है मैंने, और फिर सारे पैटिस अभी तवे पे लगा के लूँगी मैं। बहुत ज़्यादा ऑयल डालती नहीं हूँ, तो वो इन शॉर्ट सेकती हूँ मैं तवे पे। ओके, शैलो फ्राई वगैरह कुछ नहीं करती, जनरली पैटिस ऐसे ही बनाते हो तभी अच्छे लगते हैं। ओके, तो ये पैटिस मैं सेक रही हूँ एकदम लो मीडियम फ्लेम पे, और एक साइड को पकने में तकरीबन 5 से 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। ओके, तो देखिए हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, अभी आपको जो जहाँ पे बहुत डार्क ब्राउन दिखेगा काइंड ऑफ काला, तो वो काला वगैरह जला नहीं है, वो ब्रेड क्रम्स की वजह से ना बहुत जल्दी ब्रेड क्रम्स ऐसे ओवर कुक्ड हो जाते हैं। ओके, इसलिए विदाउट ब्रेड क्रम्स वाले
मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बनाना। इस तवे पे मैंने सारे विदाउट ब्रेड क्रम्स वाले पैटिस लगा के लिए, सिर्फ पैटिस तवे पे शिफ्ट किए थे मैंने, बाकी कुछ नहीं किया था, ब्रेड क्रम्स लगाए नहीं थे। ओके, तो अभी वही पैटिस मैं इस तवे पे शिफ्ट करके अच्छे से दिखाती हूँ आपको। अभी ऐसे हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे तो पलटने हैं। ये सेम प्रोसेस हमें 2 से 3 बारी करनी है। ओके, तभी पैटिस अच्छे से पक जाते हैं। हर साइड को पलटी करने में 5 से 7 मिनट लगते ही है, और एकदम स्लो मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे तो अच्छे से पक जाते हैं पैटिस। अब बारी है रगड़ा बनाने की। तो रगड़ा बनाने के लिए मैं लेती हूँ ग्रीन पीस। तो यहाँ पे लिया 1 कप ग्रीन पीस, यानी हरा मटार। सफ़ेद मटार से भी बनता है रगड़ा, लेकिन मुझे उसकी टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ग्रीन पीस ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2 पोटैटो लिए, एक मीडियम साइज़ का है और एक थोड़ा सा बड़ा है उसमें। ओके, तो आपको जो मटार लेना है आप ले सकते हो। अगर पोटैटो उसमें डालेंगे ना तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी ना अच्छी आती है, बहुत पतला पतला नहीं होता, इसलिए। ओके, तो अब मटर और आलू अच्छे से पक गए हैं, लेकिन ना उनको मैंने बहुत ओवर कुक नहीं किया है। अभी मैं हैंड मिक्सी से हल्का हल्का स्मैश करूँगी उनको। ओके, क्योंकि कुछ कुछ मटर के पीसेस अगर रह रहे तो रहने दूंगी, वो खाते वक्त अच्छे लगते हैं। अभी जो आलू नहीं टूटे होंगे तो वो मैं अभी ऐसे स्पून से साइड में दबा दबा के तोड़ूँगी उनको। ओके, अब बस ये मिक्सचर हमें ऐड करना है, जो अभी हमने झोंक रेडी किया है उसमें सिर्फ इसको ऐड करना है। तो जो भी बॉइल्ड मिक्सचर था वो इन मसालों के साथ ऐड कर दिया है। मैं जब ये डाल रही थी ना तब मेरे हाथ से कैमरा नीचे गिर गया, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एक्सट्रीमली सॉरी। अब मैं क्या करूँगी, उसी कुकर में 1 ग्लास पानी डालूँगी और वो पानी इसमें मिक्स करूँगी। ओके, पानी कितना डालना है, कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है, वो आपके टेस्ट के ऊपर भी जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखती। अब यहाँ पे मैंने डाला है जैगरी, क्योंकि जैगरी से ना टेस्ट बहुत अच्छी आती है। तो ये हो ही गई है लगभग, अब सिर्फ इस पर ढक्कन रख के 5 मिनट तक इसे पकाएंगे एंड इट्स रेडी। सो लेट्स सर्व दिस।